गोरिया बाबा के दरबार में आने से इनका शराब छूट गया। चलिए अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र कुमार मेहता। हाँ, क्या प्रॉब्लम था गोरिया बाबा के दरबार में आए थे? जब मैं पहली बार आया था तो शराब, गुटखा और सिगरेट पीता था बहुत ज्यादा। मतलब गुटखा तो पैकेट के पैकेट खा जाता था एक दिन में, और दारू जो है कि शाम को कभी दोपहर में हमेशा मतलब लेता था। अब जो है कि मैं करीब 11 महीने पहले आया था यहाँ पे गोरिया बाबा के दरबार में, और यहाँ आने से जड़ी और बाबा के आशीर्वाद से आज मैं 11 महीने से ना दारू पी रहा हूँ, ना सिगरेट, ना गुटखा। इनकी महिमा अपरंपार है। आज मैं इनका दर्शन करने आया गोरिया बाबा का, ताकि कई हजार रुपए भी बचे और शरीर की जो बर्बादी थी वो तो थी ही। आज हम बहुत खुश हैं, पूरे फैमिली वाले खुश हैं, सभी लोग मुझसे खुश रहते हैं। घर कहाँ पड़ेगा आपका? केताकी देव, औरंगाबाद, बिहार। अच्छा अच्छा, तो आप खुश है ना? जी बिल्कुल। हाँ अच्छा, चलिए ये शराब पीते थे भैया और गोरिया बाबा के दरबार में आने से, दीजिए थोड़ा हटिए आप। गोरिया बाबा के दरबार में आने से भैया शराब पीते थे आप लोग के सामने है। 11 महीना हो गया इनका शराब छोड़ा हुआ, तो आप लोग नियम का पालन करिएगा। बहुत अच्छा वीडियो डाले हैं जो लोग शराब छोड़ दिए हैं, 1400 में पीते थे वो लोग छोड़ दिए हैं, जिनका बाल बच्चा नहीं था उन लोग का हो गया, पथरी था और भी खत्म हो गया, बहुत लोग का कल्याण हुआ है। लेकिन आप नियम से लगिएगा तब, ऐसे भगदड़ की तरफ करिएगा तो कहाँ से होगा। 10 आदमी को हम उठा रहे थे तो आप लोग को लगा ना क्या क्या बात है, उधर से पीछे से आने लगी, तब नियम से अपने नंबर से चलेगा। तो प्रेम से बोलिए गोरिया बाबा के, गोरिया बाबा के, गोरिया बाबा के, गोरिया बाबा के, पारपुर धाम के, सच्चे दरबार के, सनातन धर्म के, हर हर महादेव। चले जाए गोरिया।